आज तन गांव नहीं निकला जो नहीं तो मूछ बाट दी मेरी मूछ। अरे खाई यार डर गया क्या? रेजर लेकर आऊं तो क्यों हूं कोई मारने को तो होंगे फट बाजार का जखम बारह कटा दी गाँव चाल दिखाना मैडम के क्या पूछ। आजा अब आएगा मजा। ममता मैडम है? ओ ममता मैडम अंदर बैठो अंदर पूजा कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हाँ तो बोलो बंटी बाबू। मैडम मारे पड़ोसी ने करो काबू। क्या रोकेट सिंह जी के मामलो कर दियो ओ यहाँ क्या बोले? अरे मैडम जी थे थोड़ी छूट दो मने फेरो यहाँ नहीं किया नहीं कौन बोले? और देख लो मैडम थालडा सैंडल दो चार रफा पर मांगे हो। अरे बात तो बताओ क्या हुई है बात? चलो देखो जी हमारे मैडम जी लगा के मारे मैंने। अरे बंटी तारीफ करे या शिकायत लगावे? करो तो शिकायत ही हूँ बाकी मारने में दम मौजन तारीफ तो बने है तो ईमानदार मैडम जी हो। काई रोकेट सिंह जी थे बुढ़ा होना चले हो अजय उड़जनो छोड़ो को नहीं के उड़जनो छोड़ो को नहीं के। अरे मैडम जी माको तो नाको ही घूमेडो है उलझड़े ही रहा मैं तो। हाँ हाँ ठीक है थे जंत्रा क्या मैं बताओ। मैडम जी निर्दय है नी आपकी औलाद ने गली के माया कुटन ला रही हो और बहुत गंदी तरिया कुटन ला रही हो इनका चश्मो लागू है फिर भी ने देखी को नहीं का एक ही औलाद इन्हें क्यों मारू यहाँ। पर मैडम जी मासू देखी जो कोनी फेर मैंने माँ की जवानी का दिन याद आ गया जब मैं माँ की लुगाई के राज में कपड़ा धोया करता हूँ फेर में बिना सरफ बिना थापी का बहुत धोयो ही पापी ने। और देख लो मैडम और देख लो गुना कबूल कर लियो एकदम सही काम करे रोके सिंह जी हो छोटे से टाबर नहीं है हमारे घरे कोई तो मैडम ही छोटे से टाबर ने मैं क्या करता पकड़े हो तो देखो क्या करता पकड़े हो चलो देखो। अब आ बताओ थे कि एक बाप आपकी औलाद ने इसी हरकत पर ठोक सी नहीं तो के हौसलो दे सी के खा बेटा खा आगे गुटका खाने वैकेंसी निकल सी हैं? रॉकेट सिंह जी ओ थे आज उड़तो तीर लिए सारी जिंदगी यही लिया मैं तो फेरी था के सामने बैठिया। ओ देखो मैडम जी मकोड़ा जहाँ बटको बढ़ लियो तो छोड़न को नाम ही नहीं लेवे भले ही गर्दन ही क्यों ने टूट जाए कितना घमंड है इन्हें। रॉकेट सिंह जी थाने ही बात की सजा मिल सी ममता मैडम के राज में गुंडागर्दी करी होते। अरे मैडम आप काहे की गुंडागर्दी है तो मैं बहुत बढ़िया काम करियो है। हाँ मैडम काम तो ठीक करियो है पापा बहुत दूर मारे मैंने। तो बेटा गलत काम कर सी जब मारी पड़ सी तो रॉकेट सिंह जी मेरो फैसलो है कि अगले 10 दिन तक इन घर का सारा काम जिको भी उथान बोला है वो थाने चुपचाप नौकर गजों करना है। पर मैडम जी पर धर की कोनी थाने ऐसा सोनो चाहिए कि थारे इन्हें मारने से इरजे की उज्जतो तो इर में के उत्ती। मैडम जी न्याय को नहीं है ओई न्याय है न्याय क्यों हो मामलो के हो क्या हो क्या नहीं हो तो सारो को सारो इन्हें पूछ के मन्ने सजा सुना दी थे मन्ने एक करी पूछो के रॉकेट सिंह जी क्यों मारी थे इन्हें मतलब वो झूठ बोले
ना। तो कहनो कहीं चाहो? पहला पूछनो चाहूं बाद में कहनो चाहूं? पूछो। मैडम जी जका गांव को रस्तो बच्चो जाने ही कोनी भी गांव का मायनो बच्चो पहुंचो किया। मैडम जी बच्चे की हिम्मत किया नोई को दुकान पर जाके बेधड़क और दुकानदार से गुटको मांग लियो और बनी ने दे भी दियो। मतलब मैडम जी एक बच्चा करना अति हिम्मत कदे ही को नहीं हुआ कि वो गलत काम की शुरुआत खुद कर ले बिना हिम्मत दे ही जावे बी कमाई ना हिम्मत भरी जावे। तो ही नहीं हिम्मत कौन दो यार तू खुद है। ओ खुद? हाँ मैडम जी को मैं पड़ोसी हूँ घर का मैंने गोडा टांग करके सुहा जखी मोखी बने नी। अरे आ देखो आ मोखी। हाँ हाँ समझ गई आगे बोलो। हाँ तो ये मोखी मा करो आपकी औलाद ने हेला मारे सेठ बन गए कजा खनली दुकान से 5 गुटकार 1 जर्दो ली और माँ को नाम लिखा दी। ओ टिंगरे। हाँ पापा। खनली दुकान 4 गुटकार 1 जर्दर पुड़ियो ले राजा। और दुकानदार अंटाबरन दे भी दे। तो दुकानदार करे के तो मैडम जी ये फोन देगे भेजे बेटे ने कजा दुकानदार नटे तो थारी माल फोन से माकी बात करवा दी। तेरी माल फोन ले जी मना करे तुम्हारी बात करा दी। पछे मैडम 2-4 बार में दुकानदार ही समझे कि को बाप ही मंगाई हो सी पछे वो बात करनी भी जरूरी कौन समझे वा। अब देख खुद बताओ आके मैंने गलत काम करने की हिम्मत आज नहीं तो काल नहीं तो परसों आसी को नहीं के। सही बात है रोकेट सिंह जी अत आई सी। फिर आपकी औलाद ने गलत काम करता देखा जो आपको जिदोर और आपकी औलाद ने मारा आपकी औलाद ने मारे जो मैडम जी मैंने रीस आगे जब ने मारी इन्हें का सड़ो गलती तो थारी और थारी सब माइता की और रीस काटो औलादा पर। एकदम सही बात है रोकेट सिंह जी आज हूं तो इतनी सोची को नहीं। और मैडम जी खाली आपकी बात को नहीं दुनिया में घने ही माँ बाप है जिका आपकी औलाद से उसका काम करावे और बंग खाली आलस ही है कि वो गु भी खुद जाके कौन ला सके। रॉकेट सिंह जी थे दो और धरो ही रहे। अरे किक्का किक्का दरासो मैडम बहुत ऐसा माँ बाप जिका आपकी औलाद से ऐसा सामान मंगावे। अब भी बात सही है बंटी बाबू। की ना बोले मैडम जी मैं समझ गया कि मेरा आज मार एकदम सही पड़ी है और टावरन बिगाड़ने में बाने गलत रास्ते भेजन वास्ते बाने हिम्मत देने में पहलो हाथ माई तंग हुई है। अगर वे समझदारी में काम ले ले तो टावरन का भविष्य बढ़िया हो सके। देखो मैं तो आप भी चाहूं कि थे भी अगंद छोड़ दो पर अगर थानसू नहीं छूटे तो टाबरा को तो ख्याल करो बंटी बाबू। हाँ मैडम जी। देखो मैडम कत्तो डीट है गुटका छोड़ने के नाम पर जाड़ा चिप गएगा जाड़ा कोनी छुट्टे मैडम आसु गुटका लवर है गुटका लवर है। बेटा तू आज के बाद इसो काम नहीं करे लो बहुत नुकसान करे चीजा मुंडो गड़जे को सो। पर मैडम पापा रे तो नुकसान कौन करे पापा रे तो मुंडो कौन गलियो। आ देख लो बंटी बाबू टाबरा को भविष्य माइता का हाथ में ही है इनकी बात वो सिद्ध होन लाग रहे है कि टाबर वो ही कर सी जिको माइतन करता देख सी। मेरे छोरे की सौगन ममता मैडम मैं कौन कहूँ आज के बाद आ गंदगी। अरे रॉकेट सिंह जी थाने का ही हो अब। मैडम जी छोरे की बात आज मैंने तो आपने गुटको छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैडम जी आज से मैं भी छोड़ दियो। चलो थानो भी लारो छुट्टियो।